हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा बिना छीले एक चम्मच घी में। जैसे हम शादियों में खाते हैं ना मावे वाला, एग्जैक्टली सेम हलवा हम घर पे बनाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है गाजर, ये 1.5 किलो गाजर है। उसको मैंने धोकर अच्छे से साफ कर दिए, इसके मैंने छोटे छोटे पीस कर देने हैं और बीच वाला पार्ट हमें निकाल देना है। ऐसी स्लाइस मैंने सारे गाजर की कर दी। एक चम्मच घी गरम करके उसमें सारे गाजर को फ्राई कर देना है। 2 से 3 मिनट तक उसको फ्राई करना है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधे ग्लास से भी कम पानी और उसको स्टीम करने रख दूंगी। ये कुकर में हम कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 बार मेरा एक्सपीरियंस है कि शीरा हो गया था, तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ। एक साइड मैंने दूध गर्म करने रख दिया और 5 से 7 मिनट में ये गाजर अच्छे से वो बॉईल हो जाते हैं। तो मैंने ये मैशर से उसको मैश कर दिया, तो जैसे छीले हुए होते हैं ना, सेम वैसा टेक्सचर आ गया था। उसके बाद उसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध। दूध हमें गर्म ही ऐड करना है, तो सारा दूध मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और मैंने ये फुल फैट वाला दूध लिया था, तो उससे क्या होगा, उसकी मलाई मतलब उससे ही मावा बन जाएगा। तो आपको फुल फैट वाला दूध यूज़ करना है। उसके अंदर डाल दूंगी मैं 1 कटोरी शक्कर, मतलब ये 100 ग्राम जितनी थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ऊपर से कितना वो मलाई मलाई वाला हो गया पूरा। तो एकदम शांत मन से उसको उबलने देना है, क्योंकि यही मेन है। हम दूध को ही उबाल के उसका मावा बनाएंगे। इतना टाइम नहीं लगता गाइस, एकदम इजीली जल्दी बन जाता है। उसमें मैंने डाल दी है इलायची और आप देखिए ये साइड में कितना अच्छा सा, मतलब उसका वो मावा का जो आता है ना, तो इसमें हमें घी की भी जरूरत नहीं पड़ती इतनी। 1 चम्मच घी में इतना सारा हलवा बन जाता है। तो अब देखो वो चम्मच में भी कितना सारा वो आ गया है उसका मावा मलाई। बस पेशेंसली उसको मतलब पकने देना है, जो भी है दूध को पकने देना है। और चेक करते रहिए कि नीचे चिपक ना जाए। तो हमारा ये गाजर का हलवा बनके रेडी है। लग रहा है ना एकदम शादी जैसा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।